आज के वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, जिनको ये लग रहा है कि हमारा फिजिकल कॉल हो जाएगा, उन सभी स्टूडेंट्स को एसएससीजीडी के मेडिकल के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि एसएससीजीडी में मेडिकल का क्या स्टैंडर्ड रहता है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, जिनको आपको क्वालिफाई करना होता है मेडिकल के अंदर। तो आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकोलॉजी पर स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए रेगुलर लाता रहता हूँ। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैंने हेडिंग डाल रही है एसएससीजीडी मेडिकल। तो एसएससीजीडी में जो मेडिकल होता है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो है कि आपके मेडिकल वहां पर उनकी एक खुद के बोर्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसएससीजीडी का जब जिस टाइम मेडिकल किया जाता है उस टाइम उनको खुद का बोर्ड गठित किया जाता है और उसी के द्वारा मेडिकल कराया जाता है। जबकि जो अदर वैकेंसीज है, जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, राजस्थान कांस्टेबल, इनके अंदर जहां पर आपका जैसे दिल्ली पुलिस में आपकी जॉब लगी तो लास्ट टाइम तो कोरोना की वजह से जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट के अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप अपना मेडिकल करा सकते थे, ठीक है। और इससे पहले, कोरोना से पहले क्या होता था, दिल्ली के अंदर ही कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उन्हीं के अंदर जाके आप मेडिकल करवा सकते हो। उसमें आपके साथ में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल साथ में जाता है और आपको जाना था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अपना मेडिकल करवाते हो, ठीक है। राजस्थान पुलिस में हमेशा ये होता है कांस्टेबल के लिए कि आपका मेडिकल आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसमें सारी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप अपना मेडिकल करवा सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इसमें क्या है कि सारा जो चीज़ डिपेंड करती है वो जो वहाँ पर डॉक्टर बैठे होते हैं उन पर डिपेंड करती है। तो थोड़ा बहुत क्या है, आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता किस चीज़ के ऊपर। जैसे आपका नोकनी पे इतना फोकस नहीं किया जाता, आपके जैसे मान लो हाथों के अंदर जो अपने ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए इन पे इतना फोकस नहीं होता, इनमें घुमाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैंड्स के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, आपके फुट पे इतना फोकस नहीं किया जाता, ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके मेडिकल करवाना होता है। तो ये तो रही आपके एक जो मैं बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह से क्या कराया जाता है और कहाँ कहाँ कौन कौन डिपार्टमेंट में। अब हम बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स में खुद का बोर्ड होता है उनमें किस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एसएससीजीडी का जो मेडिकल है उसके बारे में, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर बोर्ड गठित होता है और बोर्ड जब खुद का होता है तो उसके अंदर मेडिकल काफी टफ किया जाता है। तो एसएससीजीडी का अगर आपको मेडिकल क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, फर्स्ट जो चीज है वह है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का आप खासकर ध्यान रखें, ये किसी भी स्टूडेंट में किसी भी वक्त हो सकता है, ऐसा नहीं होता ये बचपन से होता हो, इस तरह कुछ नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है। तो इसका आप एक बार अपना टेस्ट जरूर करवा लें। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोकनी की। नोकनी का इश्यू है तो उस पर भी आप अभी से वर्क करना चालू कर दें, क्योंकि काफी बार प्रॉब्लम ये आती है कि नोकनी को आप लास्ट में जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद देखते हो और फिर आपके पास इतना समय नहीं बचता है। तो नोकनी के ऊपर आपको अभी से वर्क करना है, काफी एक्सरसाइज वगैरह होती है। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अगेन इनके अलग से एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा कि आप नोकनी को कैसे सही कर सकते हो, कलर ब्लाइंडनेस को कैसे सही कर सकते हो, सभी की जानकारी आपको मेरे द्वारा दी जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इश्यूज है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स से जरूर वीडियो लेके आऊंगा। नोकनी की बात हो गई, इसके बाद में आपके फुट वाला जो बताया मैंने, फुट, देन आपके हैंड्स में, ये ठीक है, इनमें फिर भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है नोकनी एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। आपका इसके अंदर ही देखो मेडिकल का बताने जा रहा हूं, लेकिन एक चीज और शामिल करता हूं, वो है आपका पीएसटी के अंदर जो चेस्ट मेजरमेंट होता है, पीएसटी चेस्ट मेजरमेंट, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट सिर्फ रनिंग पर फोकस करते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि क्या हमारी क्या बोलते हैं चेस्ट भी कम है या नहीं है, वो एक नॉर्मल अंदाजे से चेस्ट को मेजरमेंट करके चले जाते हैं, जबकि यहां पर आपका जो चेस्ट मेजरमेंट है ना वो भी टफ होने वाला है। तो आपको खासकर ध्यान रखना है आपकी रनिंग के साथ में हम किस तरह से प्रिपरेशन करें कि हमारे चेस्ट का जो साइज है वो भी कम ना हो और हमारी रनिंग भी कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक प्रॉपर ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग करने की। तो जिन स्टूडेंट को चेस्ट में जो इश्यू है वो सभी स्टूडेंट्स आगे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,
मंडे से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, शायद वीडियो पर लेट अपलोड करूँ तो अब जो न्यू बैचेज है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 से, ठीक है। तो आप समय खराब न करें, जिनके भी चेस्ट में इश्यू है वो आके ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर। आप गलती क्या करते हो, आप रोज 5 किलोमीटर रनिंग करते हो, 6 किलोमीटर रनिंग करते हो, जिससे कन्फर्म है गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे और लगभग हो चुका है, तो उसमें रोज रनिंग करने से आप कन्फर्म है 5 किलोमीटर रनिंग करने से वेट लॉस होता है। वेट लॉस होगा तो बॉडी का वेट कम होगा तो चेस्ट का साइज भी कम होगा, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। जबकि एक प्रॉपर एक तरीका होता है, जैसे 2 किलोमीटर रनिंग हुई एक दिन आपने, एक दिन 1600 मीटर कर ली, एक दिन 4 किलोमीटर कर ली, इस तरह से प्रॉपर एक चार्ट बना के प्रिपरेशन करनी होती है, जिससे आपका चेस्ट का साइज भी कम ना हो, आपका वेट भी लॉस ना हो और अपना फिजिकल भी आप क्वालिफाई आराम से कर लें। तो इसका आप ध्यान रखें, मेनली फोकस जो था आपका नोकनी का होगा, कलम ब्लाइंडनेस का होगा, फुट हैंड्स एंड चेस्ट का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और, आप सभी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि इसके अंदर जो आप पहले मेडिकल करवा लेते हैं और मेडिकल के अंदर पर कान वगैरह साफ करवाना, तो कुछ इस तरह से आपको नहीं करवाना। अगर कान में कोई इश्यू है, जैसे कोई ब्लड जमा हो रखा है, तो ये सफाई करवानी है। ऐसे नहीं आप जबरदस्ती गए और आपने सफाई करवा ली, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कचरा नहीं है, फिर भी सफाई करवा ली, वो चीज़ नहीं करनी है। दूसरी बात, जो रस्ते गले में चलते हुए जो होते हैं वो कान साफ करते हैं लोहे का कोई उजाला लेके, उससे भी बचना आपको, क्योंकि बाद में पस भरना वगैरह इस तरह की समस्या आती है। तो यह सभी स्टूडेंट के छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे लगी है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल ब्यूटी पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।